assalamu alaikum grade 5 i hope you all will be healthy fine and enjoying your winter vacation me Rabia akram your social learning teacher before start my lecture just i want to share some information about our topic today as you know we are living on earth planet planet which part of the solar system there is different continent in the world there is a different countries cities obviously there are a number of people living in an area so the number of people living in an area is called its population so our topic is population lesson number 8 our topic is population density first of all first bird stock population population mean किसी भी जगह के किसी भी इलाके की आबादी डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम डेंसटी गुनजानियत कहाँ पे कितनी आबादी है अप्रोप्रिएट मुनासिब एडवांसमेंट तरक्की या जदीदियत सो लेट स्टार्ट आर रीडिंग द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ लाइफ एंड वी आर लिव ऑन अर्थ अर्थ में ऐसी अल्लाह ताला ने खूसियात रखी हैं ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें कि जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है और हम लोग इसी अर्थ पर रहते हैं डू यू नो हाउ मैनी पीपल लिविंग ऑन अर्थ मोर देन सेवन बिलियन पीपल लिव इन डिफरेंट रिजन्स ऑफ द वर्ल्ड सो अंडरलाइन दिस वन लाइन रिगार्डिंग योर एम सी क्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग एंड इन एरिया कंस्टीट्यूट्स द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया मीन तश्कील देना किसी भी जगह की आबादी को क्या बनाते हैं वहाँ के रहने वाले लोग बनाते हैं द एरिया माइट बी अ टाउन वो कोई एक छोटा सा कस्बा हो सकता है कंट्री मुल्क हो सकता है कॉन्टिनेंट ब्र हो सकता है आर इवन द वर्ल्ड या फिर वो पूरी दुनिया हो सकती है देर कुड भी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल लिविंग इन इन वे विज हज़ारों लाखों लोग किसी एक गांव में रहते हैं टाउन कस्बे में सिटी कंट्री आर आर कॉन्टिनेंट हमें अपने मुल्क की आबादी का आइडिया है कि हमारे मुल्क की आबादी इतनी है कि जिस जगह पे हम रहते हैं जैसे कि जस्ट लेस्ट जूम के हमारी जो सिटी uh, है चिश्तियाँ तो चिश्तियाँ में हमारी आबादी कितनी होगी हमें एज इट इज़ जो है वो फिगर नहीं पता सो इट इज़ फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल आर लिविंग इन ईच कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जस्ट थिंक में हमारे पास क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट डू यू लिव सो वी आर लिविंग इन कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टीनेंट एंड पॉपुलेशन फर्स्ट वन कॉन्टिनेंट कौन सा है एशिया एशिया में पॉपुलेशन कितनी है फोर थाउजेंड फाइव जीरो फोर मिलियन अफ्रीका वन थाउजेंड टू फिफ्टी सिक्स मिलियन यूरोप इट्स मेन के एशिया जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और बाई पॉपुलेशन पॉपुलेशन सबसे और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया है यू हैव टू लर्न दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्मली एक जैसी नहीं है दुनिया की आबादी आपको पता है किसी एक किसी कंट्री की आबादी जो है वो ज्यादा है किसी की कम है कहीं पे लोग ज्यादा रहते हैं जैसे आमतौर पर साथ हमारे इर्द गिर्द के गांव हैं विलेजेस हैं वहाँ पे भी कहीं की कि कि किसी की आबादी ज़्यादा है और किसी की कम है सम एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड क्या होते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा रहती है लोग ज्यादा रहते हैं एंड सम एरियाज़ आर स्पार्सली पॉपुलेटेड और कहाँ कम आबादी वाले इलाके भी होते हैं देर आर मैनी रीज़न्स फॉर दिस अन ईक्वल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस आबादी की अन एकवल जो गैरमसावी है जो बराबर नहीं है अन एकवल है उसकी वजह क्या है कहीं पर लोग ज़्यादा हैं और कहीं पर कम है ऐसा क्यों होता है सच एज तो इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जैसे कि सच एज क्लाइमेट क्लाइमेट हमारी आबो हवा हमारा मौसम ठीक है जिस जगह के मौसम की खसूसियात या मौसम अच्छा रहने के काबिल होगा ना वो मज़ीद ज़्यादा सर्द होगा ना वो ज़्यादा गर्म होगा जैसे कि हमारे डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे मौसम गर्म होता है वहाँ पर ऐसी करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती कि हमारी आबादी मुमकिन हो वहाँ पे लोग कम रहते हैं और हमारी माउंटेनियस एरिया जहाँ पे बर्फबारी भी ज़्यादा होती है वहाँ पे भी लोग जो हैं वो कम रहते हैं लेकिन जैसे कि हमारे फर्टाइल लैंड है यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द का इन्वामेंट अच्छा है बारिश भी होती है सर्दी भी है गर्मी भी है हमारे इलाके इसलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं आबादी जहाँ पर ज़्यादा है जियोग्राफी जियोग्राफी क्या होता है ज़मीनी साख्त के इंसान जिस जगह पे हम रहते हैं इर्द गिर्द ना तो वो बहुत पथरीला इलाका हो कि वहाँ पे कुछ भी ना हो सके और ना ही बिल्कुल साफ़ मैदान हो जहाँ पे आप लोग जैसे डेजर्ट का एरिया है कि ही हो जहाँ पे हम मज़ीद आगे भी कोई ना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ना मज़ीद कोई भी लाइफ चल सकती हो रिसोर्स एंड सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सोशल वहाँ की माशरती पॉलिटिकल वहाँ की सियासी की वहाँ के जो सियासत है जो लोग आवाम लीडर हैं वो आवाम के लिए कितनी अच्छा सोचते हैं कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं एंड इकनॉमिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओके नेक्स्ट जो है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी के कितनी गुणानियत है कितनी कहाँ पर कितनी आबादी रहती है पॉपुलेशन डेंसटी इज़ डिफाइंड डिफाइंड है यू शुड टू अंडरलाइन दिस वन लाइन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्र किलोमीटर इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मीन्स के एक किलोमीटर के अंदर अंदर लोग कितने रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं एशिया इज द लार्जेस्ट एज वेल एज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है अब इस अंडरलाइन कर लें इस लाइन को कि जो एशिया है वो लार्जेस्ट और बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया का एंड पॉपुलेशन एरिया के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से इट कंसिस्ट ऑफ फोर्टी एट कंट्रीज़ यू शुड टू रिमेंबर दिस के कॉन्टीनेंट एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं फोर्टी एट कंट्रीज़ हैं द एरिया ऑफ एशिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी फोर पॉइंट फाइव एट मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर एंड इट्स टोटल पॉपुलेशन इज अबाउट फोर फाइव ज़ीरो फोर मिलियन लास्ट हमने पिछले पेज पे टेबल में भी देखा कि यही इसकी पॉपुलेशन मिलियंस में फोर थाउजेंड फाइव जीरो फोर मिलियन बताई गई है सो इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी इज अराउंड हंड्रेड पीपल पर स्क्यर किलोमीटर इट मीन्स अराउंड टेन पर्सन आर लिविंग इन वन स्क्र किलोमीटर ऑफ इट्स लैंड मीन्स के अगर हम इसके लिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिए गए पॉपुलेशन डेंसिटी में हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ पीपल किसी जगह का जो पूरे वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन है वो नंबर उनके और लैंड एरिया के वहाँ का एरिया कितना है उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकलती है नेक्स्ट है चाइना जापान फिलपाइंस इंडिया पाकिस्तान वियतनाम इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश आर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर दिज ऑल कंट्रीज नेम चाइना जापान फिलिपाइन इंडिया बांग्लादेश वियतनाम इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश आर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द कॉन्टीनेंट एशिया द चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया अंडरलाइन दिस वन लाइन के एशिया एशिया में चाइना जो है वो सबसे पॉपुलस कंट्री है इसकी आबादी सबसे ज्यादा है एंड द वर्ल्ड और दुनिया का भी इट्स पॉपुलेशन इज़ अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन हंड्रेड मिलियन पाकिस्तान इज द सिक्स मोस्ट पॉपुलर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इट्स पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली टू टेन मिलियन यू हैव टू ड्रा दिस वन पिक्चर पाई चार्ट है ये पाई डाइग्राम है ये आपने ड्रॉ करनी है इंटरलीफ पेज पर नोटबुक के इंटरलीफ पेज पर ड्रॉ करनी है अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको करवाया वो आपने लर्न करना है एंड ऑल्सो लर्न द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टॉक एंड ऑल्सो दिस वन टेबल ओके थैंक यू